गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गय गोपी जन वल्लभ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री गौर निताय की जय गौर प्रेमानंदी All glories to the Simul devotees. All glories to the Simul devotees. All glories to the Simul devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jaya Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 20 22 सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतम् दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिराप्स्यते थमां आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मकौच्छ्वसित्यतः
लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिं मां वक्षते क्रूरतते तुरुश्रवः तदा वयं जन्म भृतो महीयसा नैवाद्रितो योधिगमोऽस्य जन्मतः न तस्य कश्चिद्दैतः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुराद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः किञ्चाग्रजो मावनतं यदुत्तमः स्मयन् परिस्वज्य गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्याप्तसमास्तसत्कृतम् सम्प्राक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु श्रीशुक उवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप पदानि तस्याखिलोकपाल किरीटजुष्टामलपादरेणुः ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाङ्कुशाद्यैः तद्दर्शनाह्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलक्षणः रथादवस्कन्द्यस चेत्ते स्वचेष्टत प्रभोरमुण्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति देहं भृतामि यानर्थ हित्वा दम्भं भियं शुचां सन्देशाद्यो हरेर्लिङ्ग दर्शनाश्रमणादिभिः हम लोग अक्रूर जी के मनोरथ सुन रहे हैं। अक्रूर जी पूर्ण हैं, आशा में हैं, विश्वास में हैं कि हमें श्री कृष्ण का दर्शन होगा। कारण ये दे रहे हैं कि जो प्रभु विश्व की सृष्टि किए हैं, जो चला रहे हैं, तो इसका उनको थोड़ा भी अभिमान नहीं है या मति नहीं है कि मैं करता हूँ, मैं चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन ब्रज में उनको करने का और कुछ लोगों से संबंध का अभिमान है, अभिमति है। मेरी गौएँ हैं, मेरे सखा हैं, मेरी बांसुरी है, कोई चुरा न ले। विश्व की रचना करके इसमें कोई अभिमति नहीं है, पर ब्रज के प्रत्येक वस्तु में, घर में इनकी अभिमति। जिसको ये भावना है कि गोपी के घर में रखा हुआ माखन मुझे खाना है, तो
तो अहंकार हुआ ना, लालसा हुई, और गौओं का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, यशोदा जी के प्रति भाव है कि हमारी माँ है, नंद बाबा के प्रति भाव है कि हमारे पिताजी हैं, तो ये सब भाव है, परंतु मैं ब्रह्मा का बाप हूँ ये भाव भगवान में नहीं है। सत असत के कारण हैं लेकिन इसमें अभिमति नहीं है। इस श्लोक में कहा गया युक्षिता हम रहितो पेशत सतो स्वतेज सपाश तमो भिदा भ्रमा स्वमायात्मन रचत तदीक्षया प्राणाक्ष धी भी सदने स्वभीयते। ब्रजवासियों के घर में या कुंजों में वृंदावन के वो देखे जाते हैं और बिल्कुल असक्त जैसे देखे जाते हैं। रसखानी जी तो कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद रुचा सुनिचौ गुण चायन, मैं ब्रह्म को खोजा वेद में पुराण में सुनता हूँ कि उसका वर्णन है, वही तात्पर्य है, सब जगह पढ़ा वेद पुराण में लेकिन वो ब्रह्म नहीं मिला। वेद ऋचा सुनि चौगुण चाय, चौगुण चाय चाव के साथ लालसा के साथ वेद के श्लोकों को रटा, कुछ पता नहीं चला कि कैसा है वो, कैसा रूप है, कैसा स्वभाव है। पर अकस्मात मैं वृंदावन के कुंज में जा रहा था तो देखा कि वो परब्रह्म है, परमात्मा कुंज में, वो भी करील के कुंज में श्री राधा रानी के पैर पर गिर करके मना रहा था। बैठ देखो यह वह कुंज कुटीर में बैठ पलोट त राधिका पायल, श्री राधा रानी के पैर दबा रहा था। पर ब्रह्म जिसको साधु महात्मा लोग अलख निरंजन करते हैं, ये बेचारे देखते नहीं है कभी, अतः निराकार कहना ही उनके योग्य है, बेचारे करें क्या, नहीं देखते हैं तो ब्रह्म को निराकार कहते हैं। लेकिन उस ब्रह्म को रसखानी जी कहते हैं कि मैं देखा कुंज कुटीर में बैठ पलोटत राधिका पाए, राधा रानी के पैर दबा रहे हैं, राधा रानी रूठ गई हैं इसलिए उनको मनाने के लिए। तो वही अक्रूर जी कहते हैं कि विश्व सर्जक हैं, विश्व के पालक हैं श्री कृष्ण, तो ये अभिमति उनको नहीं है मैं ये किया हूँ क्या, लेकिन ब्रज की प्रत्येक वस्तु में उनकी ममता है और चिंता है कि सुरक्षित रहे, ये रहे वो रहे, तो ब्रज में लीला करते हुए देखे जाते हैं, अतः वे अवश्य मुझे मिलेंगे। तो कई मनोरथ किए, मैं जब उनके चरणों में प्रणाम करूँगा तो वे कृपा दृष्टि से मुझे निहारेंगे और मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, जो हाथ काल भुजंग से भयभीत भक्तों को अभय दान देता है और जो हाथ ऐसा उदार है कि उस हाथ में कोई कुछ देता है, दान देता है, भेंट देता है, क्योंकि भगवान ने जब भगवान का वो हस्त कमल करोड़ों गुना लौटाता है, दो व्यक्ति भगवान के हाथों में ऐसे देने वाले मुख्य हैं, दिए बलि महाराज और कौशिक, ये भी किसी जन्म में इंद्र बने थे, तीनों लोग का राज प्राप्त किया, अथवा कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र जी। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम गए विश्वामित्र जी के पास, तो वे तो महात्मा थे, इनको खाने के लिए कंद मूल फल प्रथम बार वे दिए, बाद में तो ये गुरु के लिए जुटाते थे, तो दिए हाथ में इनके, तो उससे कौशिक को प्रसन्न होकर भगवान ने तीनों लोगों का इंद्रपद दिया, इंद्रपद मतलब वैभव दिया, सफलता दिया।
तो ऐसे हाथ जो उदार है, ऐसे हस्त कमल को प्रभु मेरे सिर पर रखेंगे, जिस हस्त कमल से वे अपनी प्रियाओं के परिश्रम का मार्जन करते हैं, पंखा झलते हैं, उस हस्त कमल का स्पर्श हमको मिलेगा हमारे सिर पर। अहो मैं धन्य, मुझमें श्री कृष्ण शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वे अमल चक्षु से अपनी अचूक दृष्टि से ज्ञान शक्ति से वे सबके बाहर और भीतर देखते रहते हैं, वो मुझमें शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। यद्यपि मैं कंस का सेवक हूँ, फिर भी हम में दोष बुद्धि नहीं करेंगे, बल्कि क्या बुद्धि करेंगे। यहाँ से श्लोक चालू हो रहा है, सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्य दैवतम दोर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते तमाम। श्री कृष्ण हमको समझेंगे, वास्तव में मैं श्री कृष्ण का सुहृत्तम हूँ, सब समय मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की ही चिंता में रहा हूँ। भले मैं बाहर से कंस की सेवा करता था, लेकिन मन में यही सोचता रहा कि श्री कृष्ण सुखी हों, श्री कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव जी सुखी रहें, और श्री कृष्ण के जितने संबंधी हैं वो सब सुखी रहे, मैं उनका हितैषी हूँ, सुहृत्तमम। कृष्ण हमको समझेंगे इस तरह से, ज्ञाति, और मैं उनके ही परिवार का हूँ, ज्ञाति हूँ, बंधु हूँ, एक ही जाति का और एक ही परिवार का एक मैं जन्मा हुआ हूँ, अनन्य दैवतम, और मेरे लिए इष्ट देव जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसे मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, आराधना करता हूँ, वह श्री कृष्ण ही मेरे इष्ट देव हैं। मैं कृष्ण के अलावा और किसी को आराध्य नहीं माना हूँ। तो प्रभु इस भाव से देखेंगे हमको कि मैं उनका सुहृद हूँ, उनके परिवार का ही हूँ, और मुझे छोड़ करके या किसी अन्य की को आराध्य नहीं मानता है, मुझसे ही प्रेम करता है। ऐसा भाव करके भगवान मुझे अवश्य केवल सिर पर हाथ ही नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी बृहद भुजाओं से मेरा आलिंगन करेंगे। दोर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यतेथ माम, दोर्भ्याम का अर्थ दोनों बाहों से, दोर्भ्याम का अर्थ होता है बाहों से, बृहद्भ्याम बृहद बाहु से, आजानुलंबित भुजा से माम परिरप्स्यते, अथ का अर्थ है सिर पर हाथ रखने के बाद अपनी अद्भुत सुंदर विशाल भुजाओं से वे मेरा आलिंगन करेंगे। सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्य दैवतम दुर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते समाम, जब श्री कृष्ण मेरा आलिंगन करेंगे उस समय मेरा यह देह ये सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा, स्वयं तो पवित्र हो ही जाएगा, यह इस देह को जो छुएंगे जो देखेंगे वे पावन हो जाएंगे। आत्मा ही तीर्थ ही क्रियते, जिस शरीर को भगवान कृष्ण अपने भुजा में भरेंगे। तो अक्रूर जी कहते हैं कि यद्यपि मैं पवित्र हूँ, कंस की सेवा में रहा हूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण जब मेरा आलिंगन करेंगे, मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे, सिर पर हाथ रखेंगे, तो आत्मा ही तीर्थ ही क्रियते, मेरा देह परम पावन हो जाएगा, गंगा जी के समान पवित्र हो जाएगा, तीर्थ बन जाएगा। बंधस्त कर्मात्मक उच्छ्वसिति उच्छ्वसिति अतः, और मेरा जो बंधन है कर्म बंधन, अविद्या का बंधन, यह बिल्कुल टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा भगवान के आलिंगन से। और इस तरह से लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिम माम बक्षते क्रूर तथे तुरुस्तवाह, जब मेरा वे आलिंगन करेंगे तो मैं उस सुख से विभोर हो जाऊंगा,
उनका संग अंग संग पाऊंगा, लब्धांग संगम, जब श्री भगवान के देह का श्री शरीर का संग मुझे मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, तो उसके बाद मैं फिर खड़ा होकर के या बैठे बैठे प्रणत होऊंगा, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा कृतांजलि, और मैं हाथ जोड़ करके खड़ा रहूंगा या बैठा रहूंगा, तो उस समय श्री कृष्ण बोलेंगे, चाचा ततो, ततो का अर्थ है चाचा, चाचा जी, और मेरा नाम बोलेंगे अक्रूर, अक्रूर का अर्थ निष्कपट, अक्रूर यह नाम हमारा बोलेंगे, मम वक्षते अक्रूर, चाचा चाचा अक्रूर, और अक्रूर नाम बोलेंगे श्री कृष्ण, क्योंकि अक्रूर नाम बहुत अच्छा है, न क्रूर इति अक्रूर, अक्रूर जो क्रूर नहीं है, कपटी नहीं है, धोखेबाज नहीं है, छली नहीं है, हिंसक नहीं है किसी तरह, वो है अक्रूर, बिल्कुल सीधा साधा और दया से परिपूर्ण व्यक्ति। तो जब श्री कृष्ण हमको बोलेंगे अक्रूर और मुझे चाचा कहेंगे, तो उस समय मैं सफल जन्मा हो जाऊंगा। यह स्नेहमय संबोधन सुन करके मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मही ऐसा सबसे महान सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वारा जिसको आदर नहीं मिला, श्री कृष्ण जिसको अपना नहीं कहे, जिसे स्नेह से प्रेम से श्री कृष्ण बात नहीं किए, धिग मुझसे जन्म तब उसके जीवन को धिक्कार है। जो कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ा, कृष्ण जिसको स्नेह से संबोधन नहीं किए, आदर नहीं किए, और दुनिया में वो किसी का संबंधी हो जाए, कोई भी आदर दे उसको, बड़ा पद मिल जाए, राजा बन जाए, कुछ भी हो, लेकिन श्री कृष्ण ने जिसको आदर नहीं दिया और अपना नहीं बनाया, तो उस व्यक्ति के उस जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है। तो मैं धन्य हो जाऊंगा श्री कृष्ण का आलिंगन पा करके और श्री कृष्ण का संबोधन सुनकर। मन में मनोरथ तो कर रहे हैं, लेकिन एक शंका भी उठती है मन में कि श्री कृष्ण तो सबके हैं, वे किसी के सुहृद नहीं हैं, किसी के बैरी नहीं हैं, आपको वो कैसे अपना सुहृद समझेंगे। तो अक्रूर जी कहते हैं कि न जस्य कश्चित् दयितः सुहृत्तमः, श्री कृष्ण का वास्तव में कोई प्रिय नहीं है, दैत नहीं है, स्पेशली कोई प्रिय नहीं है। जहाँ राग द्वेष होता है तो कोई प्रिय होता है अप्रिय होता है, श्री कृष्ण में ऐसा भाव नहीं है, उनका विशेष रूप से कोई प्रिय नहीं है और न तो कोई बैरी है। न चा प्रियो द्वेष उपेक्षवा, ये वा न उनका कोई प्रिय है न कोई सुहृद है, न उनका कोई अप्रिय है न द्वेष है, द्वेष का पात्र है। यह श्री कृष्ण का स्वाभाविक स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण की लीला में देखा गया है कि तथापि भक्तन भजते जथा तथा, फिर भी वे भक्तों से प्रेम करते हैं, हैं सबके, समूहम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय। स्वयं भगवान कहते हैं कि जगत में मैं सब में सम हूँ, सभी को मैं एक दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ, मैं सबको जन्म दिया, मेरे इसलिए मेरा कोई द्वेष नहीं है और न तो मेरा प्रिय कोई है। फिर भी जो भक्त प्रेम से मेरे भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ वे मुझमें, मई ते ते सुचाप्य, यह भगवान का स्वभाव है। विषम हैं, सबके हित अहित पर विचार करते हैं, सबका भला कर रहे हैं,
देख ही रहे दुनिया में कि निराकार कहने वालों को भी भोजन मिलता है, जो भगवान को निराकार कहते हैं फिर भी भगवान खिला रहे हैं उनको, है ना। अब निराकार कहने का मतलब तो द्वेष उपेक्ष छोड़ दीजिए, कुछ भी प्रिय है वो है ही नहीं, एक प्रकार से कहते हैं। निराकार कहने का मतलब है यही कह रहे को है नहीं, साफ यही तात्पर्य उसका हुआ। लेकिन इस तरह से आस्तिकता का चोला पहने हुए और ये महानास्तिक जो कृष्ण को कहते हैं कि निराकार है, वास्तव में छली है, कपटी हैं, पर ऐसे लोगों को भी भगवान भोजन पानी सूर्य का प्रकाश सब देते रहते। और तो और कसाईयों को भी भगवान भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, है ना। क्या करें, जब जन्म दिए हैं तो पालन करेंगे, ये उनका स्वभाव है, सबके प्रति सौम है। सूर्य उगता है, सूर्य का प्रकाश वे देते हैं, ऐसा नहीं है कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के यहाँ जाड़ा में ज़्यादा प्रकाश होता है और जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं वहाँ प्रकाश नहीं होता, सम प्रकाश, ये भगवान की समता है। इस जगत की रचना की है, लेकिन फिर भी लीला में देखा गया कि वे भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण उनसे स्पेशल प्रेम करते हैं। विषमता जीव के तरफ से है, भगवान के तरफ से नहीं है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। कुछ कह सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन का पक्ष लिया, वे दुर्योधन के विरोधी के रूप में लगते हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वे दुर्योधन और अर्जुन के प्रति बिल्कुल सम हैं, पर अर्जुन कृष्ण के प्रेमी हैं, भक्त हैं, इसलिए अर्जुन के भक्ति भाव के अनुसार भगवान उनके वश में हैं, उनका रथ हाँकते हैं। परंतु समता देखिए, उन्होंने कहा कि अपने संबंधियों के बीच युद्ध हो रहा है इसलिए मैं इसमें हथियार नहीं उठाऊंगा, विषमता है। अगर वे सुदर्शन चक्र लेकर के युद्ध के लिए खड़े होते तो ये सुन करके युद्ध होता ही नहीं, बंद हो जाता, कौन मरने के लिए तैयार। कृष्ण की वीरता, कृष्ण का ऐश्वर्य सारी दुनिया में विख्यात था। चेदीराज शिशुपाल भगवान को राजसूय सभा में गाली दे रहा था, लाखों लाखों लोग बैठे थे उसमें और भगवान को गाली दे रहा था, भगवान सब सह रहे थे, क्योंकि गाली से या प्रार्थना से प्रभावित नहीं होते हैं ऐसे देखा जाए। सबसे अग्र पूजा हुई थी उनकी, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और उसी समय सभा में बैठे बैठे भगवान पर गाली की बौछार चालू हुई। वो गाली अद्भुत दिया है महाभारत में, कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि समय बहुत बलवान है। वो माइक पकड़ लिया और लगा बोलने के, समय बलवान है ऐसा मानता हूँ मैं, समय बलवान नहीं होता तो इतने लोगों की बुद्धि कैसे चौपट हो जाती। इस सभा में जहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, राजर्षि लोग आए हैं, यहाँ पर एक अहीर की पूजा हो रही है और वो भी गाय चराने वाले, राजर्षियों का तिरस्कार करके, ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार करके एक गोप की पूजा की जा रही है। और इसका आचरण आप लोग सुनेंगे, रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ तय हुआ था, यहाँ तक कि मैं दुल्हा बन करके भी गया था और उधर ही आया और दुल्हन को ले गया, इसका ये करेक्टर है। आप लोग ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। वो अनेक प्रकार से गाली दिया, फिर भीष्म पितामह को गाली दिया कि ये 400 वर्ष का बूढ़ा, इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया। वो भीष्म पितामह अनुमोदन किए थे कि हाँ ठीक है पूजा कर, अगर पूजा करनी है तो मैं तो कहूँगा कि इसी की पूजा कीजिए, ये धनुर्विद्या में पारंगत है, धनुर्विद्या में पारंगत है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, पूजने लायक तो ये है। ये उल्टे कृष्ण को कह रहा है पूजने के लिए,
ये भी कृष्ण जैसा ही है। वो ये लगा बोलने, यह भी काशी नरेश की लड़कियों को छुआ है, ब्रह्मचारी बनता है। तो काशी नरेश अपने भाई के लिए काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण किए थे, तो जबरदस्ती चढ़ाने में हाथ छूते थे, तो वो कह रहा है ये ब्रह्मचारी है, ये क्यों इस लड़की को छुआ, आप लोग इसकी भी करामात नहीं जानते। इस तरह से बोलता रहा, बहुत बात बोला। भगवान तो क्षमा के समुद्र है, भगवान बल्कि आनंद ले रहे होंगे, उनको कोई दुख नहीं हो सकता है। लेकिन सभा में भगवान के भक्त जैसे भीम अर्जुन आदि उकसने लगे कि इसको मार दिया जाए। भगवान ने देखा कि सभा में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा अगर युद्ध होगा, तो ये पूजा की सभा युद्ध सभा बन जाएगी। भगवान ने सबको रोका, अगर नहीं आप लोग बैठे रहिए, और भगवान अपने चक्र से शिशुपाल के गर्दन को अलग कर दी। शांतिपूर्वक सब काम हुआ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, शांति से सब कुछ हो गया, क्योंकि वो राजसूय यज्ञ चल रहा था। जैसे ही हम लोगों का भागवत सप्ताह चल रहा है, इसमें भगवान का कीर्तन भजन पूजन ये सब हो रहा है, तो बहुत उत्कृष्ट कोटि का यज्ञ था, जिसमें साक्षात भगवान आराध्य थे और युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त राजर्षि यज्ञ करा रहे थे, सब बड़े बड़े लोग जुटे हुए थे। भगवान ने, अब मैं ये कह रहा था कि दुर्योधन और अर्जुन में भगवान भेद बुद्धि नहीं करते, लेकिन जब दुर्योधन और अर्जुन की बुद्धि में भेद आता है, कृष्ण को दूसरे व्यू से मानते हैं, कोई दूसरे व्यू से मानता है, कोई अपना सखा समझ रहा है, वो सोच रहा है केवल साथ में कृष्ण के मैं रहूँगा, चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, इसका मुझे कोई गम नहीं, कृष्ण के साथ मैं रहूँगा, कृष्ण का संग नहीं छोड़ूंगा। तो जहाँ एक औपचारिक सेना भगवान रखे थे एक पक्ष में, और एक पक्ष में अपने को भी निहत था बिना अस्त्र के, और चुनना था, लेकिन भगवान ने एक अवसर दिया अर्जुन को सबसे पहले चुनने का, कि अर्जुन उम्र में छोटे हैं और पहले आए हैं, भगवान ने कहा तो इनको अधिकार है, छोटे की इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं संबंधी हूँ, इसलिए मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। अब रही सहायता की बात, तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं बिना अस्त्र ग्रहण किए सहायता करूँगा, वचन द्वारा चाहे जैसे भी शरीर से, अस्त्र से नहीं। तो चुनने के लिए अर्जुन को कहा गया। देखिए, अगर दुर्योधन को कहा गया होता तो एक मान लिया जाता कि अर्जुन नहीं चुन पाए, इनका भाव दूसरा था। कि अर्जुन को चुनने के लिए कहा जब द्वारकाधीश ने, तो अर्जुन कहे कि मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। अब इतना सुनने के बाद दुर्योधन बहुत खुश हुआ, वो पीछे बैठा था भगवान के, वो कहा कि, और उस समय तो सामने आ गया था, समधी था वो, तो उसने कहा द्वारकाधीश, तो सेनापति को आज्ञा दिया जा, देर हो रही है, आखिर युद्ध की तैयारी करनी है, तो हमारा काम हो गया, वो सेना लेकर के चला। सेना को आज्ञा दे दी गई, गई होगी सेना कुरुक्षेत्र में, वो तो खा पी करके आराम से आया अपने समधि के पास, थाना भगवान के पास। तो अर्जुन से भगवान पूछने लगे, अर्जुन तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, युद्ध के लिए, युद्ध में सहायता मांगने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने तुमको भेजा था ना, तो तुमने ये क्या किया, युद्ध करना है और मुझको चुन लिया, जबकि मैं हाथ में कोई अस्त्र नहीं लूंगा, क्या हो गया तुमको,
युद्ध जब हो तो उसके लिए सेना मांगना चाहिए ना। तब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आप अगर साथ अगर आप साथ में रहें तो मैं इंद्र को ही परास्त कर सकता हूँ, मैं भगवान शिव को भी धूल चटा सकता हूँ और चटाया हूँ। इस तरह से बोल रहे अगर आप मेरे साथ रहें भगवान शिव को भी मैं परास्त कर सकता हूँ, जमराज जी को भी परास्त कर सकता हूँ, आपकी मुझे ज़रूरत है। और किसी भी हालत में हमारी विजय हो या न हो हार हो इसकी मुझे चिंता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरे साथ रहें, तो मैं हारूं या जीतूं इसकी मुझे चिंता नहीं। मेरे जीवन में बहुत दिन से लालसा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं, मैं समर्पण करना चाहता था लेकिन सखा होने के कारण समर्पण नहीं कर पाता था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको समर्पण करूँ, आप हमारे जीवन की बागडोर संभालिए और आप युद्ध में कुछ मत कीजिए, आप मेरा रथ चलाइए, सारथी का काम कीजिए। आप सारथी बनकर रहेंगे तो मैं तीनों लोक में देवताओं को भी परास्त कर सकता हूँ, मैं देखा हूँ आपका प्रभाव, तो इसीलिए मुझे आप चाहिए। तो इस तरह से जो कृष्ण को चुन रहा है सेना का तिरस्कार करके और सहायता का तिरस्कार करके जो कृष्ण को चुना, तो कृष्ण भी सबका तिरस्कार करके अर्जुन को स्वीकार किया, बड़े बड़े महारथियों को उन्होंने इस तरह से परास्त करवाया अर्जुन के सामने। अर्जुन स्वयं अपने मुख से बताए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेक महारथी मिल करके मुझ पर आक्रमण करना चाहते थे, और ख़ास करके उस दिन जिस दिन जयद्रथ का वध होने वाला था, मेरे घोड़े थक गए थे, श्री कृष्ण घोड़ों की साज संभाल कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, घाव पर मलहम कर रहे थे, और मैं बिना रथ के खड़ा था भूमि पर, और हजारों महारथियों का अटैक मुझ पर हो रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रभाव से मुझे किसी भी महारथी के बाण उस तरह से नहीं छू पाए जैसे प्रहलाद महाराज पर हिरण्यकश्यप के द्वारा राक्षसों के अनेक प्रहार कोई भी छू नहीं पाए थे। प्रहलाद की तरह मैं रक्षित था, जैसे भगवान नरसिंहदेव की कृपा से प्रहलाद पर कोई भी अस्त्र शस्त्र सांप आदि का असर नहीं हुआ, कोई निकट पहुँच ही नहीं पाया। ऐसा दिखाया गया है कि कोई अस्त्र चलाया जाता तो प्रहलाद महाराज के शरीर तक आते आते नलिफाई हो जाता। पूरे 18 दिन के युद्ध में अर्जुन पर उनके शरीर पर एक भी बाण नहीं लगा, कहीं नहीं, एक बार केवल पसीना छूट गया था उनको बस, और पसीना पोंछे यही बहाना बना करके श्री कृष्ण ने रथ का चक्का उठा लिया, यदि नहीं सहायता करता हूँ तो अर्जुन को ये भीष्म पितामह मार डालेंगे, उनको तो अस्त्र उठाना था भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरा करने को। इतना फुर्ती से भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को फुर्सत नहीं मिलती थी, निरंतर बाण निकालना अनुसंधान करना चलाना निकालना, उनको पसीना आ गया उस दिन। तो भगवान रथ से कूद पड़े रथ का चक्का उठाकर भीष्म को मारने के लिए, ताकि अर्जुन के शरीर में कहीं भी कोई भी बाण कभी नहीं लगा, जबकि भगवान पर बाण लगा, भगवान आने वाले बाणों को अपने पर सहते थे, उनका कवच टूट गया था, भीष्म पितामह ने इतना बाण मारा था कि भगवान का कवच टूट गया था, और टूटे हुए कवच से वे और सुंदर लग रहे थे। यदि सुंदर आदमी फटा कुर्ता भी पहन ले फिर भी सुंदर ही लगेगा, है ना। सुंदरे की मसुंदरा, और उनके शरीर से खून निकल रहा था, तीखे तीखे बाण मार करके भीष्म पितामह ने कुछ शरीर में भी छेद किया था,
चिन्मय शरीर है भगवान का, नैनम छिन्दन्ति स्वस्त्राणि, ये कट नहीं सकता आत्मा, वो तो परमात्मा है, फिर भी ये भगवान की लीला है। भगवान क्षत्रिय के आवेश में थे, अतः क्षत्रिय पर कुछ बाण लगे तो उसको सुख मिलता है। भीष्म पितामह उनको सुख दे रहे थे, भगवान के भाव के अनुसार युद्ध कर रहे थे। पर समग्र युद्ध में अर्जुन स्वयं कहते हैं कि कहीं भी एक बार भी बाण नहीं लगा था, और अर्जुन को विजय दिलाने में भगवान व्यग्र रहते थे, रथ को इतनी ढंग से हाँकते थे कि अर्जुन पर कोई प्रहार न लगे, कोई वार न लगे, और अर्जुन विजय, अर्जुन मार दे दूसरों को लेकिन दूसरा कोई उन्हें न मारने पावे। विजय रथ कुटुम्ब, विजय का अर्जुन का रथ ही जिनका परिवार था, कुटुम्ब था, अकृत्य के द्वारा भी रक्षणीय थे। पर यह विषमता भगवान के तरफ से नहीं है, ये अर्जुन की भक्ति का प्रभाव है कि भगवान उनके वश में हैं, उनका सारथ्य कर रहे हैं। तो इसी तरह से अन्य भक्त भी हैं, तो अक्रूर जी कहते हैं कि ये सबके प्रति सम है, उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न उपेक्ष है न द्वेष है, फिर भी भक्तों का उनके भाव के अनुसार भगवान पोषण करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष सम होता है, कल्प वृक्ष सम होता है, किसी के प्रति द्वेष उपेक्ष नहीं होता, लेकिन कल्प वृक्ष की शरण में छाया में जो व्यक्ति जाता है तो कल्प वृक्ष उसकी इच्छा को, उसके संकल्प को पूरा कर देता है। कल्प का अर्थ ही होता है डिजायर, इच्छा, डिजायर ट्री प्रभुपाद जी लिखे हैं उसको, कल्प तरु, जो इच्छा के अनुसार हमारी अभिलाषा को पूरा कर दे जो वृक्ष, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। सूरत द्रुम यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं, देव वृक्ष कल्प वृक्ष की तरह भगवान हैं, जो आश्रय लेता है, जो भक्ति करता है, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं, सूरत द्रुम। तो श्री कृष्ण ऐसे सबके प्रति सम हैं, परंतु फिर भी जो उनका प्रेम से भजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको विशेष रूप से प्रेम देते हैं, विशेष रूप से मानते हैं। अवश्य वे किसी के सुहृद नहीं हैं, किसी के द्वेष नहीं हैं, शत्रु नहीं हैं, कुछ नहीं, कोई उनका शत्रु नहीं है, फिर भी वे हमसे प्रेम करेंगे क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनको अपना मानता हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए हमसे प्रेम करेंगे। यह मनोरथ करके अब वे श्री बलराम जी से मनोरथ करते हैं। यह एक नमूना दिया गया है, जैसे श्री कृष्ण से मिलने का मनोरथ किए वैसे बलराम जी से किए, और अंत में कहते हैं किंचाग्रजो मावनतम जदुत्तम। श्री बलराम जी जदुत्तम हैं, जदुवंशियों में श्रेष्ठ। तो अक्रूर जी सोचते हैं कि श्री कृष्ण हो सकता है कि अपने को गोप मानते हैं, इसलिए वो मुझे हो सकता है चाचा न कहें या हमारा स्वागत न करें, क्योंकि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बच्चे को क्या पता है कहाँ जन्म हुआ है। बड़ा जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से तो गोकुल में रह रहा है, तो बच्चा बड़ा हो जाए तो यही सोचेगा ना कि गोकुल का मैं हूँ, मैं गोप हूँ, और गाय चरा रहा है, नंद बाबा के पुत्र के रूप में इसकी अभिमति है। तो हो सकता है अपने को गोप मान करके श्री कृष्ण हमसे ज़्यादा प्रेम न निभावें, पर याद करें पर जदुत्तम बलराम जी तो जादव हैं, यद्यपि कृष्ण भी जादव हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन वो कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, ये अक्रूर जी ये बात विचार कर रहे हैं। तो गाय चराते हैं, ब्रज में रहते हैं, तो वो उनमें गोपाभिमान ही होगा, मैं गोप हूँ, मैं ग्वाला हूँ, यही भाव होगा कृष्ण का। पर श्री बलराम में तो ये भाव होगा कि मैं जादव हूँ, क्योंकि वे रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए हैं, रोहिणी जी वसुदेव जी की भार्या है, तो ये अग्रज हैं।
किम च, क्या इतना ही नहीं, किम च का अर्थ होता इतना ही नहीं, अग्रज श्री कृष्ण के बड़े भाई जदुश्रेष्ठ श्री बलराम, जब मैं उनको प्रणाम करूँगा, अवनत रहूँगा, तो वे स्मयं मुस्कुराते हुए परिस्वज्य मेरा आलिंगन करेंगे, मेरा आलिंगन करेंगे, और उनके आलिंगन से बाद में बाहर आकर के जब मैं हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा रहूँगा, श्री अक्रूर जी आलिंगन का मनोरथ कर रहे हैं, लेकिन जब श्री बलराम जी आलिंगन करेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे, दास दास से भाव है इनमें, तो अवनत होकर के मैं रहूँगा, मैं जब अंजलि बांधूँगा तो मेरे अंजलि को पकड़ करके अपने दोनों हाथ से गृहम प्रवेश्य, मेरा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे अपने घर, नंद बाबा के घर में श्री बलराम जी ले जाएंगे, और वहाँ ले जा करके समस्त सत्कृतम आप, तो मैं समस्त सत्कार प्राप्त करूँगा, हमारा सत्कार करेंगे, हमको बैठने का आसन देंगे और हमें भोजन कराएंगे, अभी पारण नहीं हुआ था, एकादशी की शाम हो गई नहीं द्वादशी की, एकादशी को तो कंस से मंत्रणा हुआ था, द्वादशी को चले थे, चलते चलते शाम हो गई, वो मनोरथ कर रहे थे, रथ चला नहीं रहे थे, इसलिए घोड़े भी अपनी गति से चल रहे थे, कोई हाँक नहीं रहा है तो रास्ता पकड़ा दिया गया है और धीरे धीरे जा रहे, इसलिए शाम हो गई, तो सोच रहे हैं कि श्री बलराम जी हमारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे और घर में सब स्वागत करेंगे, जो एक अतिथि के लिए, पूज्य अतिथि के लिए स्वागत होता है सब करेंगे, और अंत में श्री कृष्ण हो सकता है कि गाय चराने में व्यस्त होंगे, गोप अभिमान है, लेकिन ये तो जादव समझते हैं अपने को, तो अवश्य हमसे पूछेंगे कंस कृतम स्वबंधु सु, बलराम जी जरूर पूछेंगे कि हमारे बंधुओं के प्रति, हमारे माता पिता या आपके प्रति, चाचा के प्रति, स्वबंधुसु जादव बंधुसु, मथुरा में जो जादव रहते हैं उनके प्रति कंस क्या व्यवहार कर रहा है, इसको जरूर पूछेंगे, अगर ये पूछेंगे तो मुझे एक अवसर मिलेगा कंस का अत्याचार बताने का, तो कृष्ण हो सकता है कि न पूछें, गोप अभिमति में रहते हैं, गोप अभिमान में, लेकिन अवश्य श्री बलराम जी पूछेंगे हमसे कि कंस कैसा आचरण कर रहा है, क्योंकि अंततः तो ममता है ना मथुरा के लोगों से उनकी, तो इस तरह से मनोरथ कर रहे हैं, जो मनोरथ है श्री कृष्ण के साथ किए वही मनोरथ श्री बलराम जी के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष, वे जदुत्तम कृष्णाग्रज श्री बलराम मुझे अपने घर में ले जाएंगे और मेरा स्वागत करेंगे, और कंस कैसा व्यवहार कर रहा है जादवों के साथ इस विषय में पूछेंगे, तो मैं सब बात बताऊंगा, इस तरह से सोचते हुए जा रहे थे, पूरा मनोरथ करने में बहुत समय लगा, एक मनोरथ को अनेक बार सोचते जा रहे थे, श्री कृष्ण के आलिंगन, श्री कृष्ण का दर्शन और श्री कृष्ण का स्पर्श, उनको प्रणाम और श्री कृष्ण का उद्गार आदि सब मनोरथ करते हुए जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति समचिंतयन कृष्णम स्वफलक तनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिनृप। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार स्वफलक पुत्र, ऋषि पुत्र अक्रूर जी, पिता भी इनके महान वैष्णव थे, भक्त थे, उनके पुत्र हैं अक्रूर जी, तो इस तरह से पिता के गुण से भी विभूषित महान पिता के पुत्र अक्रूर जी इस प्रकार कृष्णम समचिंतयन, कृष्ण का सम्यक चिंतन करते हुए, मनोरथात्मक चिंतन करते हुए, कहाँ अध्वनि मार्ग में रथेन गोकुलम प्राप्त,
रथ से चलते चलते नंदगांव पहुंच गए। जब नंदगांव पहुंचे गोकुलम प्राप्त तो सूर्यश्च च अस्तगिरिम प्राप्त, सूर्य अस्ताचल पर पहुंच चुके थे, अस्ताचल के निकट जा चुके थे, अर्थात शाम हो गई। सुखदेव गोस्वामी अजीब वर्णन कर रहे हैं, अक्रूर जी रथ से गोकुल गए तो सूर्य भगवान रथ से अस्ताचल गए, अस्ताचल के निकट गए। वर्णन की शैली देखिए, अक्रूर चंद्रमा को कहते हैं, अक्रूर सौम में सीधा शाम, और भगवान सूर्य को क्रूर कहते हैं, उनका घाम तीखा होता है, है ना, तीक्ष्ण किरणें होती हैं, तो उनको क्रूर कहते ही हैं। तो जब अक्रूर जी गोकुल पहुँचे तो क्रूर जी अस्त पर्वत पर अस्ताचल के निकट गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब अक्रूर जी गोकुल गए तो सूर्य अस्ताचल गए पहुँचे, शाम हो गई। इससे वर्ष लेते हैं कि जगत चक्षुः, जगत के नेत्र भगवान सूर्य अस्त हुए। तो जगत नेत्र एक प्रकार से अज्ञान को भी कहा जाता है, इस संसार का जो नेता है इसको लीड कर रहा है वो अज्ञान है वास्तव में। अक्रूर जी जब गोकुल पहुँचे तो अज्ञान सूर्य अस्त होने लगा है, अज्ञान सूर्य। जब कोई व्यक्ति भगवान के गोकुल में पहुंचता है, भगवान के शरीर को देखेगा, गोकुल, गोकुल का अर्थ है इंद्रिय समुदाय। जब भगवान के गोकुल में कोई जाता है तो उसका जगत नेत्र अस्त हो जाता है, जगत में जो फंसा हुआ है वो समाप्त हो जाता है। अक्रूर जी गोकुल में जा रहे हैं, किस किस गोकुल, भगवत गोकुल में, और भगवत गोकुल का ध्यान हो रहा था। पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, अभी अभी ताजा ताजा गोपद चिन्ह उभरा हुआ था, और गोपद चिन्ह के बीच बीच में या पीछे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे हुए थे, बालू धूली में गौए लौट चुकी थी, गोधूली बेला थी। और अक्रूर जी जानबूझ करके लेट जा रहे थे, जानबूझ करके विलंब कर रहे थे, रथ चला नहीं रहे थे। वैसे तो मनोरथ से भी वे आविष्ट थे, अतः रथ संचालन संभव नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि शाम को ही भेंट हो। कहाँ पर भेंट हो, वन में भेंट ना हो, वे ये सोच रहे थे। वन में ये रथ लेकर के जाने पर गौएं भी दुख जाएंगी, भागेंगी, ये कहाँ से रथ आया क्या। वैसे वन में रहने वाले पशु ये जीप मोटर गाड़ी कार देख करके भाग जाते हैं, अभी भी भाग जाते हैं। ये आवाज़ होती है और ऐसा रथ जाता तो गौएं भाग सकती थी। तो श्री अक्रूर जी सोचे कि वन में नहीं जाना है, तो रास्ते में भी भेंट नहीं करना है, श्री कृष्ण लौट जाएं और घर जा करके स्नान करके खूब फ्रेश वस्त्र पहन करके माला पहन करके, और जब गोदोहन करवा रहे होंगे उसी समय दर्शन करना चाहते थे। से वन से थके मांदे आए, उनसे भेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि चाहते हैं कृष्ण बलराम पहले खा पी लें, उन्हें स्नान कर लें, खा पी लें, वस्त्र अलंकार पहन लें, गोदोहन के लिए जाएं। तो वे गोदोहन नहीं करते थे, गाय नहीं दुहते थे, वे बछड़ा पकड़ते थे, दोनों भाई छोटे छोटे बछड़ा को पकड़ते थे धोने के लिए।
तो उसी समय खिड़क में ये दर्शन करने चाहते थे। अभी सूर्य थे, सूर्य थोड़ा थोड़ा थे, तो यही उनका मनोरथ था उस समय भेंट होते। ये सोचते हुए जा रहे थे तब तक उन्होंने देखा पदानितस्या खिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपाद रेड़ो ददर्श गोष्ठे छिति कौतुकानी विलक्षितान्यब्ज जवांकुशाद्य ही। भगवान के चरण चिन्ह देखे, अभी अभी वे गए गोकुल में वन से, ताजा बिल्कुल उभरा हुआ था और माता पृथ्वी भगवान के चरण चिन्ह को सर्वश्रेष्ठ अलंकार के रूप में धारण करती थी और उसको मिटने नहीं देती थी। किसी गाय का चरण पढ़ करके और कृष्ण के चरण को मिटा दे ऐसा नहीं होता था, पृथ्वी देवी मिटने नहीं देती थी और इसलिए भगवान भी गौओं के पीछे पीछे चलते थे। आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव में मृदुतान भी आगे गौए चलते थे पीछे, सखागण भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को बचाते हुए चलते थे। उनको इतना अच्छा लगता था कि कोई भी सखा नाचते हुए भी कभी कृष्ण के चरण चिन्ह को मिटाता नहीं था। और कुछ लड़के बलराम आदि सावधान करते रहते थे, ए उधर मत जाओ चरण चिन्ह उभरा हुआ है, तो उसको वे लोग देखते थे बहुत सुंदर लगता है। छिति कौतुकानी, वो पृथ्वी के लिए उत्सव थे भगवान के चरण, भगवान के चरण को पा करके पृथ्वी धन्य हो गई। ये प्रथम स्कंध में ही बताई है पृथ्वी माता। तो भगवान के चरण कैसे हैं, समस्त लोकपालों के किरीट पर भगवान के चरण धूलि, भगवान का चरण धूलि विराजता है। सारे देवता लोकपाल इंद्र भगवान शिव ब्रह्मा शिव आदि आकर के प्रणाम करते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में प्रणाम करते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उनके किरीट में मुकुट में अमल पाद ऋण निर्मल पवित्र ब्रजरज पड़ा जाता है, भगवान के चरण की छाप जहाँ उभरे हैं उसको प्रणाम करते हैं। भगवान के डायरेक्ट चरणों में प्रणाम करने को उन्हें नहीं मिलता है, डायरेक्ट जा करके प्रणाम करे तो सखा ही डांट करके भगा देंगे, कौन जानवर आया चार सिर वाला जानवर और ऐसे तंग कर रहे हैं, और श्री कृष्ण को नाचने में भी बाधा पड़ेगी, वो भी भकुआ जाएंगे कि ये कौन आया। तो इसलिए वो लोग चरण धूलि को प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण चरण चिन्ह को, तो चरण धूलि से उनका किरीट शोभित होता है। अखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपाद रेणु, जिन चरणों का पवित्र चरण धूलि चरण रज लोकपालों के किरीट पर शोभा पाता है, ऐसे चरण चिन्हों को छिति कौतुकानी जो पृथ्वी के लिए श्रृंगार थे उत्सव थे गोष्ठ में देखा उन्होंने। गौएं जहाँ ठहरती हैं जाती हैं, बहुत गौएं हैं ना तो गांव से बहुत दूर से ही उसको गोष्ठ कहा जाता है, गोष्ठ गौएं जहाँ स्थिर होती हैं ठहरती हैं तो गोष्ठ कहते हैं, गोष्ठ में देखा और रथ पर चढ़े चढ़े उन्होंने देखा पहचान लिया कि ये चरण चिन्ह है। विलक्षितानी विशेष रूप से लक्षितानी अब जो जवान कुशाद दे, उन्होंने ध्यान से देखा उसमें कमल का चिन्ह और जव अंकुश आदि का चिन्ह था, ध्वज स्वस्तिक आदि का चिन्ह। ददर्श देखे, तद दर्शनाह्लाद भगवान के चरण चिन्ह को देखते ही उनका आह्लाद विवृद्ध आनंद और अतिशय बढ़ गया, आनंद के बाढ़ में वे संभ्रम हो गए,
क्या करें क्या न करें ये कर्तव्य का ध्यान नहीं रहा, प्रेम से उनके रोमांच हो गया, उनके रोमे ऊर्ध्व हो गए, प्रेमड़ा ऊर्ध्व रोम, आँखों में आंसू भर आया, आँखों में आंसू भर आए, रोमांच हो गया, वाणी गदगद हो गई, चरण चिन्ह को देखते हैं और वे तुरंत ही बोले या रथ से कूद पड़े, रथात अवस्कंद्य, रथ से उतरे नहीं कूद पड़े, अवस्कंद्य का अर्थ पृथ्वी पर कूद पड़े और चरण धूलि में लौटने लगे, तेसु अवस अचेष्टत, चरण धूलि में लुलोठा लौटने लगे और कहने लगे, अहो प्रभो अमूनी अंग्री रजांसी, वो ये हमारे प्रभु के चरण रज हैं, डायरेक्ट चरणों से सटे हुए रज, तो उसमें वे लगे लौटने। ये प्रथम बार हो रहा है कि ब्रज में पहुंचने पर श्री अक्रूर जी, अब तक तो मनोरथ कर रहे थे, चरण चिन्ह को देखते ही लौटने लगे, रथ से कूद पड़े, आंखों में आंसू बह रहा था, इसलिए आंसू भी ब्रजरज में सन रहा था, तो सिक्त ब्रजरज अक्रूर जी के शरीर में लग रहा था, आंसू बहने से वो रज गीला हो रहा था, तो लौटने से अक्रूर जी के शरीर में रज लग रहा था। इस तरह बारंबार अपना सौभाग्य मानने लगे, अहो ये हमारे प्रभु के चरण चिन्ह है, चरण रज है, मैं धन्य, इस तरह कहते हुए लौट रहे थे और आंख में आंसू शरीर में पुलक, कंठ गदगद हो रहा था, इस तरह से वे लौट रहे थे, बारंबार लौटते रहे लौटते रहे। भगवान के साक्षात चरणों से जिसका स्पर्श हुआ है, उस धूलि में लौटने से उनको इतना आनंद मिल रहा था, और आनंद का एक और कारण ये भी हुआ कि अभी अभी भगवान है यहीं पर। कभी कभी सोचते थे कि भगवान शायद कोई बहाना करके दूर चले जाएंगे, कि इस कंस दूत से भेंट नहीं करना है, कोई बहाना करके किसी वन में रह जाते चाहे भाग जाते, और नहीं भेंट करना होता है तो अनेक बहाना होता है ना। हमारे यहाँ बहुत पहले एक कोई अतिथि आए थे, वो हमारे फूफा जी लगते थे, तो एक लड़के से पूछे उसके बाप के विषय में, उसके पिता के विषय में कि वो घर पर हैं, ये आए थे फूफा जी अतिथि बन करके, तो पूछे लड़के से कि कहाँ है तुम्हारे पिताजी, तो कहा घर पर है, जाकर कह दो कि मैं आया, तो वो गया, वो कहा कि फूफा जी आए हैं, तो उनको भेंट नहीं करना था वो उस आदमी को, तो लड़के से कह दिए कि कह दो कि नहीं है, बच्चे से उसको झूठ बोलने के लिए कह दो कि घर पर नहीं, तो वो लड़का था हमारा चचेरा भाई छोटा था, तो वो पूछे फूफा जी का हो भेंट भइल हो, भेंट हुआ, अच्छा हाँ भेंट भइल हो, लेकिन कल हम कि कह दिया कि ना भेंट भइल, पिताजी बताए कि कह देना कि भेंट नहीं हुआ, वो तो घर पर हैं लेकिन कहे हैं ऐसा। वो भेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चा तो ईश्वर का स्वरूप होता है, वो सही सही सत सत बोलती है। अंदर भेंट की है। इस तरह से यदि श्री कृष्ण को भेंट नहीं करना होता है कि मथुरा से कंस का दरबारी आया है, मंत्री आया है, तो कहीं ना कहीं कोई बहाना कर दिए होते हैं, लेकिन अक्रूर जी देखे कि अभी अभी गए हैं घर, ताज़ा चरण चिन्ह उभरा हुआ है, तो उनको बहुत खुशी हुई, कहो प्रभु हमसे जरूर मिलेंगे और ये दुर्लभ चरण रज मुझे प्राप्त हुआ, वो आनंद से सराबोर हो गए और बहुत देर तक लौटते रहे चरण धूलि में।
अक्रूर जी की यह दशा देख करके और उनके मनोरथ की बात कह करके श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, खास करके अक्रूर जी को दृष्टांत करके कहते हैं, देहम भृतामी अनर्थो हित्वा दम्भम भियम सुचम संदेशाद्यो हरे लिंग दर्शन श्रवणादि भी। देह धारण करने वाले जीवों के लिए यान अर्थ यही परम लाभ है, यही परम पुरुषार्थ है। जो दशा अक्रूर जी की है, ऐसी दशा होना, ऐसी मानसिक स्थिति, मनोरथ और वचन और शरीर इस तरह से ब्रजरज में लौटे, यही है देह भृतान अर्थ, देह धारण करने का यही लाभ है। कथा कहते कहते अब कमेंट दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी को दृष्टांत करके, ऐसे वाक्य बहुत कम जगह पर हैं सुखदेव गोस्वामी के। जो अक्रूर जी की दशा हुई, कंस का संदेश लेकर के जब वे चले, संदेश से लेकर के कृष्ण के चरण चिन्ह को देखना, उनका दर्शन करना, इस बीच में जो दशा हुई कृष्ण के चरण चिन्ह दर्शन करके और रास्ते में जो मनोरथ आदि कर रहे थे, यह जो दशा हुई यही दशा जीव की होनी चाहिए, यही है देह धारण करने का फल, अर्थात देह का लाभ यही है, यही है देह धारण करने का अर्थ। इस तरह का मनोरथ चिंतन, मैं ऐसे कृष्ण से मिलूंगा, कृष्ण मेरे सिर पर बाँह रखेंगे, मेरा आलिंगन करेंगे, मैं कृष्ण के साथ ऐसे बैठूंगा, श्री बलराम जी मुझसे समाचार पूछेंगे, कृष्ण मुझे चाचा कहेंगे, कृपा दृष्टि से देखेंगे, तो जीवन में ऐसा मनोरथ पूरे जीवन तक हो, यही है जीवन धारण करने का फल। यान अर्थ बस बस इतना ही लाभ है। हित्वा दम्भम भियम सुचम, भय दम्भ छोड़ करके, भय छोड़ करके और शोक छोड़ करके जो अक्रूर जी ने ये किया, इस प्रकार की भक्ति, यही है जीवन का फल। अक्रूर जी जो कर रहे थे, मनोरथ कर रहे थे और जा करके ग्वाले के चरण धूलि में लौट रहे थे, एक महामंत्री होते हुए भी, एक राजा के यहाँ बहुत बड़े पद पर होकर के रथ से आए हैं मथुरा जी से, और यहाँ आ करके गोप के चरण धूलि में लौटना, दम्भ उन्होंने छोड़ा, दिखावा नहीं था उनके जीवन में। अच्छा, इसके लिए नहीं लौट रहे थे कि लोग कोई देखे और कहे कि बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा भक्त, दिखाने के लिए नहीं लौट रहे। प्राय है दोष होता है, जो भक्त होते हैं तो भक्तों में बात रहते कि लोग देखें कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। यदि ये भक्ति नहीं करने से अच्छा है, ऐसी भावना हो भक्ति दिखाने की, तो वो बेटर है। लेकिन अक्रूर जी में कोई दम्भ नहीं था, भगवान के चरण धूलि को देखते ही वे लगे लौट रहे, दिखावा नहीं था कि मैं लौटूं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत दिखावा करते हैं, भाव नहीं होता है, लेकिन समाज में ऐसे आँख तड़ेर देते हैं और दिखाने लगते हैं, लगता है कि अब चैतन्य महाप्रभु ही आ गए, ऐसे होता है ना। और कीर्तन गाने वालों को भी डिस्टर्ब कर देते। और क्रूर जी में कोई ऐसा दम्भ नहीं था, वहाँ कोई था भी नहीं जिसको दिखाया जा सके। हित्वा दम्भम और भियम, कंस का भय भी नहीं था, ये भय नहीं था, भय छोड़ दिए, भय का स्मरण ही नहीं था। ये भय की बात होती ना कि भाई कंस पता लगा लेता किसी तरह से कि मैं इसको भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए और वहाँ उन दोनों के चरण धूलि में लौट रहा है, तो उनके परिवार को कत्ल करता पहले अक्रूर जी के, वो वहाँ ब्रज में जाकर भक्ति कर रहा है तो पहले इन लोगों को यहाँ फांसी चढ़ाओ, और बाद में उनको उनकी भी छानबीन करके
इंक्वायरी करा करके बुलाता और उनको भी मारता। इसका कोई भय नहीं था, दंभ नहीं था, भय नहीं था और शोक नहीं था। शोक नहीं था कि यदि परिवार के लोग छोड़ दें इस तरह के तो कृष्ण के लिए दीवाना हो गया, अपना पद भी नहीं देखता है ये, तो परिवार भी छोड़ सकता है। परिवार का या शोक का अर्थ है कि कौन से परिवार को मारेगा, ये शोक नहीं रहा इनको। शोक भय दम्भ बिल्कुल नहीं, पूर्ण प्रेम के वशभूत होकर के चरण धूलि में लौट रहे थे। तो इस तरह से कोई भक्ति करे, कृष्ण का चिंतन करे, ब्रजरज में लौटे, तो ये है जीवन का फल। तो भक्त के लिए भी ये तीनों शब्द लगेंगे, दम्भम भीयम सुचम हित्वा। यदि कोई दम्भ छोड़ करके, भय छोड़ करके और शोक छोड़ करके भगवान की इस तरह भक्ति करता है जैसे अक्रूर जी ने किया, तो ये है जीवन का फल। दम्भ छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए। दम्भ का अर्थ होता है हम जितना में हैं उससे कई गुना ज़्यादा दिखाना, इसको दम्भ कहते हैं। जैसे कोई आदमी धनी नहीं है लेकिन कभी कभी अपने को दिखाता है बहुत धनी हूँ, धन नहीं होता है पर दिखाता है कि लोग हमको धनी समझें, और खास करके अपने लड़के या लड़की के विवाह में दिखाता है धनी समझ, है ना। और तो भक्ति में भी कभी कभी दम्भ होता है। जितना भाव है, जितना भगवान से प्रेम है, उससे कम ही दिखाना चाहिए, दयन होना चाहिए, बल्कि मैं मुझ में तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रेम नहीं। तो जो दिखावा होता है, आडंबर होता है, इसको दम्भ कहते हैं। दम्भ कई प्रकार से प्रस्तुत होता है। चुपचाप बिल्कुल रहना ये भी दम्भ ही है। लोग समझें कि एकदम पहुंचा हुआ है इसको, है ना। कई लोग मौन ले लेते हैं, मौन तो कोई कीर्तन नहीं, कोई जप नहीं, भागवत पाठ नहीं, भगवान की स्तुति नहीं, बस चुप रहना ही बहुत भारी सफलता है। वो भी है एक सफलता, सफलता ये है कि नॉनसेंस नहीं बोलते हैं, ये भी अच्छा है, सांसारिक बात नहीं बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो कुछ किया नहीं। निगेशन जो है वहाँ तक तो ठीक है भाई, व्यर्थ बात नहीं बोलना, लेकिन पॉजिटिव जो बोलना चाहिए, भगवान का नाम जस कीर्तन करना, ये तो नहीं कर रहा है। पर लोग ये दिखाते हैं कि कीर्तन करने वाले, बखेड़ा करने वाले, बोलने वालों से मैं बेटर हूँ, ये दिखावा है वास्तव में जीवन में। और कीर्तन करने वाले दिखावा करते हैं कि अब मैं मीरा जी ही हो गया, है ना। ये भी दोनों पर बैलेंस होना चाहिए ठीक तरह से। अच्छा, इसको दम्भ कहते हैं। या भीयम भय होता है, भय होता है। श्रवण शब्द आया है, श्रवणादि भी भय होता है। कई तरह का भय होता है कि मैं भजन करूंगा, मैं भक्त बन जाऊंगा तो ये हमको छोड़ देगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सबसे कथा सुनने आया हूँ तो कुछ लोगों को भय लगता होगा कि क्या होगा लौटने के बाद, खासकर सेंटरों में। परिवार के लोग तो उतना उद्वेग नहीं देंगे, लेकिन ये साधु बने हुए लोग, भक्त बने हुए लोग, उनसे भय है कि क्या कहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे आए हैं जैसे गोपियाँ अपना घर छोड़ करके आ गई होंगी, है ना। ये भय छोड़ करके भजन करना चाहिए।
और सूचम शोक, किसी प्रकार की चिंता ग्लानि मन में होना, इसको शोक कहते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो जाए, किसी बात को सोच करके जब हृदय सूखता है तो इसको शोक कहते हैं। शोक को अग्नि कहा गया है, भीतर भीतर जलाता रहता चिंता। तो शोक छोड़ करके, भय छोड़ करके और दम्भ छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जैसे अक्रूर जी की, ऐसे एकदम भूल करके संसार को और कृष्ण के चरण धूलि में लौट रहे हैं और वाणी से गुणानुवाद कर रहे हैं और मन में मनोरथ कर रहे हैं, यही है जीवन का फल। तो ये कैसे होता है? हरे लिंग दर्शन श्रवण आदि भी, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के रूप को देखने पर प्रेम उमड़ता है। तो सबसे पहले दर्शन लिखा गया, हरे लिंग दर्शन, लिंग माने प्रतिमा, यहाँ अक्रूर जी के लिए चरण चिन्ह दर्शन। तो भगवान के श्री विग्रह को देखने से और उनकी कथा सुनने से, ये दर्शन और श्रवण जिसमें मुख्य है, ऐसी भक्ति द्वारा, नवधा भक्ति या उसमें से जो भी भक्ति कर सकें, इन भक्तियों द्वारा अक्रूर जी जैसा स्वरूप प्राप्त करना, अक्रूर जी जैसा भाव होना, शरीर की भी दशा ऐसी और वचन की भी और मन की भी, यही है देह धारण करने का फल। ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से अक्रूर जी के मनोरथ की बात कह करके अब सुखदेव गोस्वामी दर्शन की बात कह रहे हैं। जैसे जैसे वो मनोरथ किए थे, पूरा पूरा मनोरथ सफल हुआ। दो लोग इस कथा में मनोरथ किए, एक कंस और दूसरा अक्रूर जी। कंस का मनोरथ आपने सुना होगा, कृष्ण बलराम को मैं मारूंगा तो इसके बाद वसुदेव को भी, नंद को भी और जितने जादव हैं सबको मारूंगा, मैं तो मारते मारते पांडवों को भी मारूंगा, सारी दुनिया निष्कंटक हो जाएगी, मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा, बाधक नहीं रहेगा, और इसके साथ मैं सभा में जब बैठूंगा, मेरे ससुर जी, मेरे गुरु जी बैठेंगे, जरासंध जी और मेरे फ्रेंड सब साथ में बैठेंगे, संबरासुर, बाड़ासुर, नरकासुर बैठेंगे, इसके बाद मेरे सामने कौन होगा, मैं मौज लूँगा, ये आनंद करूँगा। और बेचारा जिस दिन मनोरथ कर रहा है उसके तीसरे दिन वो खत्म होने वाला है, कोई मनोरथ पूरा नहीं हुआ। इधर भक्त का मनोरथ देखिए, भक्त का मनोरथ पूरा होता है, होता है, होता ही है, क्योंकि उसके मनोरथ भगवान के प्रति होते हैं, तो भगवान मनोरथ पूरा करते ही हैं। तो एक तरफ सारे मनोरथ विफल हो गए एक अभक्त के, और भक्त का सारा मनोरथ पूरा हुआ। तो उसको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। ददर्श कृष्णम रामम च, धूलि में लौटने के बाद वे कुछ देर के बाद भाव शिथिल हुआ, दर्शन की अभिलाषा बढ़ गई, तो धूल उल झाड़ करके रथ पर चढ़े। वे सोचे कि श्री कृष्ण भी ये विचार करें कि कहाँ से धूल में लौट करके आए, तो अपने भाव को छिपाने के लिए धूल पोछे, भाव को छिपाने के लिए, और अपना जो भी वस्त्र मुकुट आदि था वो सीधा किए। तो प्रेम में गरगर मन हो रहा था, स्वरूप आदि भी सब अस्त व्यस्त हो गया था, अलंकार वगैरह, तो वे ठीक किए और इसके बाद रथ पर चढ़े। रथ पर चढ़ करके जाना इनके लिए स्वाभाविक था, और भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ पर चढ़ करके जा रहे थे। तो गए रथ पर चढ़े चढ़े गोदोहन में, खिड़क में देखे गाय दुहवाते हुए श्री कृष्ण और बलराम को,
तो सबसे पहले कृष्ण को देखे, कृष्णम, चूंकि परम आकर्षक हैं, सुंदरता की सीमा है कृष्ण, कृष्णम रामम च, और इसके बाद श्री बलराम जी को च, और कृष्णम रामम च, राम को देखे, कृष्ण को देखे और श्री राम को देखे, कहाँ पर देखे, गोदोहनम गतौ, गोदोहन में गए थे, गोदोहन का एक अर्थ है गौओं के दुहने का स्थान, और गोदोहनम गतौ का एक अर्थ है गाय दुहवाने के कर्म में थे। तो वहाँ सब गोप हल्ला कर रहे थे, कोई गाय दुही जा रही तो कोई कह रहा था कि अब दूध भर गया, ये मटकी ले जाओ या बाकेट ले जाओ, दूसरा लाओ, इस तरह से कोई पकड़ो पकड़ो बछड़ा पकड़ो, ये दूध लिया गया, वो दूध लो, ये लो। तो श्री कृष्ण गाय दुहवा रहे थे, कई गाय दुहवा चुके थे, और अंत में जो कृष्ण को दूध पिलाने के लिए जो गाय दुही जाती थी पद्मगंधा गाय, उसको दुहवा रहे थे। कोई गोप बड़े गोप दूह रहे थे दोनों भाई, कोई दूध पकड़ने में और बछड़ा पकड़ने में लगे हुए थे, दुहा हुआ दूध, इसको गोदोहनम गतौ कहते। पीत नीलांबर धरौ शरद अम्बुर हे क्षण, कृष्ण पीत वस्त्र पहनने से तुरंत नहाए थे ब्रज से आकर के, और फ्रेश पीतांबर पहने थे, सारा अलंकार बहुत सुंदर, फ्रेश मुख कमल, कृष्ण पीला वस्त्र पहने थे और श्री बलराम जी नील अंबर, अंबर माने वस्त्र, नील वस्त्र पहने थे। दोनों की आंखें शरद काल में खिले हुए कमल के समान खिले हुए थे, सुंदर थे, आंखों को भी ध्यान से देख रहे हैं, पीला पीला वस्त्र और आंखें बिल्कुल कमल के फूल के समान, वो भी शरद कालीन कमल के, शरद कालीन कमल जैसे खिले रहते हैं वैसे आंखें विस्फुरित थी, जो देख रहे थे बछड़ा पकड़ने में या दूध इकट्ठा करने में, गाय को सहलाने में, से वैसे तो इधर उधर आंखें कर रहे थे, तो आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। श्री कृष्ण की आंखें जब खुलती हैं निद्रा के बाद, तो उस समय भी कमल के समान ही लगते हैं, लेकिन कमल कली के समान लगते हैं, बंद रहती हैं, धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा खिले हुए कमल जैसे, बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर सुंदर सुकुमार। तो शरद अम्बुरुह ईक्षण, शरद काल में खिले हुए कमल के समान दोनों की आँखें थी। किशोरव श्यामल श्वेतव, दोनों किशोर अवस्था के हैं, नवजुवक, यौवन में अभी प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, यही भगवान की उम्र है, अब लगता है कि अभी यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, किशोर अवस्था में, पर यही अवस्था अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, वे कभी पूरा युवक नहीं हो पाएंगे। नव यौवनम, नई जवानी, अभी अभी चालू हो रही है जो जवानी, वो जवानी, ऐसे दोनों रहते हैं। तो किशोरव श्यामल श्वेतव, एक श्याम हैं और एक श्वेत हैं, मतलब एक सोना की तरह श्वेत हैं, पीले हैं, और एक श्यामले हैं। श्री निकेतव बृहद भुजव, इस प्रकार श्री कृष्ण का और श्री बलराम जी का वर्णन आ रहा है। यह कथा मैं बिल्कुल अंत में कहूँगा, श्री बलराम जी को मिलाऊँगा, श्री अक्रूर जी को मिलाऊँगा भगवान कृष्ण से और श्री बलराम जी से।